हरिओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग एज प्रॉमिस्ड। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली रीडिंग जो है मैं आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उन लोगों के लिए जिनकी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और जानना चाहते हैं कि ये सामने वाला इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है, इनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। इन शॉर्ट, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है उनकी जो करंट एनर्जी है वो आपके टूवर्ड्स कैसी है। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, पुरानी रीडिंग्स की एनर्जी यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करें, 3 बार उनका नाम अपने मन में रिपीट करें। ओके, टू टैप इन टू देयर एनर्जीज। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है उसी समय पर आपको इस रीडिंग का देखना जो है वो लिखा हुआ है, एंड इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि इसी टाइम पर आपको ये रीडिंग जो है मिलनी है। जनरल रीडिंग है, सो प्लीज इसको अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह ना समझें। यहाँ पे मैं जो मेजर कलेक्टिव एनर्जी है उसको रीड कर रही हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, फॉर यू ऑल। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी आज की एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है। ओके गाइज, मुझे यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है, एक तो यहाँ पे मैरिड लोग, शायद ये रीडिंग आज बहुत सारे मैरिड लोग देखने वाले हैं इस रीडिंग को, और दूसरा इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी वर्क रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, यहाँ पर थर्ड एनर्जी जो आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी बट आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर। ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। लेटर वी अगेन यहाँ पे बन गया है, लेटर एच और लेटर एल भी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं उनसे दूर चलते चले जा रहे हो या वो आपसे दूर कहीं चलते चले जा रहे हैं, एंड समहाउ जब से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है या जब से आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करनी बंद करी है, भले ही कुछ दिन हुए हों या महीने हुए हों या हफ्ते हुए हों, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों में कुछ ना कुछ गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट स्लोली स्लोली इस इंसान को पुरानी बातें जिनको लेकर के ये कभी कंफ्यूज हुआ करते थे वो चीज़ें इनको समझ में आने लगी हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपसे बात ना होने के दौरान बहुत सारे लोगों ने इनका ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करी है, या आज के दिन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इनका आपके अगेंस्ट ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकता है। सो यस, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी का साइन जरूर आ रहा है, बट ये हल्की फुल्की नेगेटिविटी है फिलहाल, कुछ ऐसा मेजर नहीं है। हो सकता है कि ये वो सारी पुरानी बातें या नेगेटिव बातें सुन करके, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, ज़्यादा ध्यान ना दें इन सब चीज़ों के ऊपर, ये भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी अपने बिहेवियर में कुछ एडजस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ ये चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मे बी इनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं कि आपके साथ में रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होंगी जिनको आपको और इनको दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ में रह पाओगे या लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को निभा पाओगे। बट जैसे ही ये थॉट इनके माइंड में आया है, बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले थॉट्स भी इनके माइंड में क्रिएट हो गए हैं, एंड एकदम इनकी एनर्जी जो है वो अचानक से हो सकता है कि स्कैटर्ड हो गई है। मे बी अचानक से ये किसी, ये बहुत सीरियसली बैठ करके इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होंगे कि कोई और पर्सन आ जाएगा अचानक से रूम में, कोई कॉल आ जाएगा, किसी पर्सन का मैसेज आ जाएगा। मुझे यहाँ पे लेटर डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ई और सी भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अचानक से सोचते सोचते, सीरियसली सोचते सोचते अचानक से इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, एंड जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इनको जस्ट दे वर अबाउट टू फाइंड द सॉल्यूशन या कुछ एकदम क्लैरिटी इनको मिलने वाली थी, वहीं पे कुछ फुल स्टॉप लग सकता है।
बट ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो आज के दिन में कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ मेजर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे अगेन एक हार्ट बन गया है जो कि रिवर्स में जा रहा है, विच इज शोइंग कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इनका दिल जो है वो टूटा हुआ है, या ये बहुत सैड और डिप्रेस्ड फील करते हैं लेकिन ये लोगों को दिखाते नहीं हैं। इन जनरल ये इंसान बहुत ज़्यादा जोवियल नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट हो सकते हैं, या इनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है। लोगों से मिलना जुलना, बातें करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड लोग भी इनको काफ़ी पसंद करते हैं, बट अपनी जो मन की बात है उसको ये अंदर ही दबा करके छुपा करके रखते हैं और उसको ज़्यादा लोगों के साथ में, किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। दूसरी चीज जो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं इनके, जिनके या तो स्पेक्स लगे हुए हैं, या आई साइट वीक है, या ये पर्सन इनका कुछ स्विमिंग से कुछ कनेक्शन है। आई डोंट नो, सबके लिए नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए है सम कनेक्शन विद स्विमिंग ऑल्सो। मे बी इस इंसान को स्विमिंग करना पसंद है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जो है, इनका जो इंक्लिनेशन है आज के दिन में वो ईश्वर की तरफ और ज़्यादा बढ़ने वाला है, या आध्यात्म के बारे में ये थोड़ा सा गहराई में सोच सकते हैं। इनको ऐसा लग सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन भी कुछ ऐसा नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी स्पेशल कनेक्शन, एक बहुत खास रिश्ता है, बहुत खास कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन इन्होंने किसी और के साथ में फेस नहीं किया है। दोबारा से यहाँ पे हार्ट बन गया है, आई होप इट इज़ विजिबल इन द कैमरा, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी जो सिम्बोलॉजी है वो यहाँ पे बन जाती है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग से सिम्बल्स बन जाते हैं आप लोगों के लिए, जिनको पढ़ करके ही मैं आप लोगों के मैसेजेस बताती हूँ। एंड मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली भी मैसेजेस आते हैं गाइज आप लोगों के लिए। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे आज की फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आइस मेल्ट होती है धीरे धीरे, उस तरीके से ये पर्सन जो है, कई लोगों के पर्सन आज ही के दिन में उनसे बातचीत कर लेंगे। बहुत, ये सभी के लिए नहीं है मैसेज, लेकिन हाँ कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनसे आज ही के दिन में उनकी बात हो जाएगी, जिस दिन आपसे ये आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, क्योंकि वो रिवर्स हार्ट को मैंने अभी स्ट्रेट बनते हुए देखा है यहाँ पे। तो वो जिससे टूटा हुआ दिल था इनका और ये बुरी बातों की तरफ एकदम बोझिल मन से सोच रहे थे रिश्ते के बारे में और बहुत ही नेगेटिव हो गए थे, बहुत सैड डिप्रेस्ड हो गए थे, उस इमोशन को इन्होंने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आज के दिन में उसको लेट गो करें और थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हुए आपको लेकर के कुछ अच्छा सोचें, इस कनेक्शन को लेकर के कुछ अच्छा सोचें और उसके ऊपर एक्ट करें। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इनको किसी पर्सन के थ्रू या मे बी किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू इंस्पिरेशन कुछ मिलने वाली है, कहीं से किसी नॉवल के थ्रू कुछ गाइडेंस इनको मिलने वाली है और उसके ऊपर ये पर्सन जो है एक्ट करने वाले हैं। वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, इनके अंदर डिटर्मिनेशन की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है। एक बार जो ये डिसाइड कर लेते हैं, ये एक बार जो करने का मन ये बना लेते हैं, उसके बाद इनको उनका इनका बैक ऑफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट यहाँ पर मैसेज कई उन लोगों के लिए भी आ रहे हैं जिनके जिन्होंने इस कनेक्शन में बिट्रेयल का सामना किया है, यानी कि विश्वासघात हुआ है समहाउ आपके साथ में, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है या आपको आपका ट्रस्ट जो है वो एकदम इन्होंने ब्रेक किया है, जिसकी वजह से आप तो शैटर्ड हुए ही हो, आपका तो दिल टूटा ही है। लेकिन ये पर्सन, यस दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, ये पर्सन जो है खुद भी अंदर से इन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग जो है वो देखी है, और आपसे अलग होने के बाद या आपसे जो अभी इनकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में ये चले गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को वापस से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को इमोशनली वापस से स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये ऐसे जैसे यहाँ से समेटते हैं तो वहाँ से कुछ और बिखर जाता है, इस तरफ कुछ संभालते हैं तो दूसरी
डायरेक्शन में कुछ और बिखर जाता है। ऐसे करके इनकी लाइफ जो है वो कट रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी इनके अंदर जो है वो बिल्डअप हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में शायद ही हार्डली कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी राम कहानी सुनना चाहते हैं या इनकी बातों को सुनना चाहते हैं। इनके जो इवन बहुत सगे संबंधी हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनकी पूरी सिचुएशन, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी लाइफ जर्नी, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। इनके ऐसे दोस्त भी अब इनसे ऐसा लग रहा है जैसे इरीटेट हो रहे हैं या लोग इनसे किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है अपनी बातें बता बता करके खुद ही परेशान हो गए, और अब ये एक तरीके से चुप हो गए। और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब इनको किसी से कुछ शेयर नहीं करना है, अब इनको किसी से कुछ बोलना नहीं है। जो होगा वो ईश्वर खुद ही देख लेंगे, या अपने आप जो डेस्टिनी में आता चला जाएगा उसको ये सरेंडर कर रहे हैं। ओके, दिस इज वॉट आई सी फिलहाल के लिए। मैं साइकिक इंटरप्रिटेशन अगर इनकी आज की करूं तो देखते हैं, महादेव प्लीज गाइड मी, इस पर्सन की अभी की एनर्जी क्या है। गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से, जब भी मैं ये साइकिक इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या रोज़ाना उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम को लेकर के, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा थकान इनकी एनर्जी में मुझे आज के दिन में दिखाई दे रही है। लिथार्जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, डाउन एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्टमक रिलेटेड कुछ इशू आज के दिन में हो सकता है। ऑल दो ये पर्सन हो सकता है कि कुछ अपनी हेल्थ को लेकर के भी सोच रहे हैं, मे बी ये वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं या वेट गेन करने के बारे में सोच रहे हैं। हेल्थ की तरफ इनका ध्यान डेफिनेटली जाने वाला है, या ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर हमने इनकी एनर्जीज में टैप इन किया है ये पर्सन अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होंगे। इनके अंदर एक बड़ी बेचैनी या बहुत ज़्यादा छटपटाहट सी मैं देख रही हूँ। टू रीच आउट टू यू सम हाउ, ये आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। इनका मन कर रहा है कि आपसे खुल करके बोल दें, लेकिन मे बी ईगो इतना ज़्यादा हो गया है या गैप इतना ज़्यादा हो गया है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से ये कंफर्टेबल नहीं है आपको बताने में। मोस्ट ऑफ द डे, आज के ज़्यादातर दिन में ये आपके सिचुएशन के बारे में हो सकता है कि सोचने की कोशिश करेंगे। और बार बार ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कि जैसे सोच रहे हैं किसी का कॉल आ गया, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप लोगों के कुछ पुराने मैसेजेस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से रूम में कोई आ गया, अचानक से कोई काम आ गया, फ्लक्चुएशन हो जाएगी एनर्जी में बहुत ज़्यादा। ओके, तो वो चीज़ मुझे इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। अनदर थिंग जो इनके इमोशंस को लेकर के आ रही है आज, बहुत स्पेशल, मे बी बहुत सारे नए लोग जो हैं इस रीडिंग को देखने वाले हैं या देखी है ये रीडिंग बहुत सारे नए लोगों ने, यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के इमोशंस आपको लेकर के पहले के मुकाबले, यस अनदर कंफर्मेशन, पहले के मुकाबले और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादा रिश्ता जो है वो मुझे गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कुछ समय हो गया है, बट रियलाइजेशन इस इंसान को होने वाली है आज के दिन में कि जो भी कनेक्शन आप लोगों का हुआ करता था या जो भी कनेक्शन आप लोगों का पास्ट में था वो ऐसे ही नहीं था। देर वॉज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कनेक्शन, इनकी लाइफ के सबसे खास रिश्तों में से, सबसे खास कनेक्शन में से एक रहा है। ये बात आज के दिन में इस व्यक्ति के माइंड में डेफिनेटली आ सकती है। इनको ऐसा भी फील हो सकता है कि इस कनेक्शन में जितनी स्टेबिलिटी और जितना ठहराव इन्होंने महसूस किया है वो चीज़ इनको और किसी रिश्ते में या और किसी रिलेशनशिप में इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी है। एंड मे बी दिस पर्सन क्रेव्स दिस फीलिंग। ये इनकी जो राशि है ये एयर साइन वाले पर्सन हो सकते हैं, कई लोगों के लिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस राशि वाले पर्सन हो सकते हैं, या इवन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस राशि वाले पर्सन हो सकते हैं, जिनको जीवन में ठहराव चाहिए, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, आपकी राशि जो है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाली राशि हो सकती है। सो ये पर्सन आपके साथ में एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते थे, वही स्टेबिलिटी शायद ये वापस से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या पुरानी मेमोरीज के थ्रू उन इमोशंस को ये रीलिव करते हैं बार बार। ओके, और वही चीज़ जो है वो आज के दिन में भी हो सकती है।
ऑल राइट गाइस, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज जाते जाते मेरा एनर्जी एक्सचेंज जरूर दीजिएगा, विच इज जस्ट अ लाइक, वीडियो को लाइक दे दीजिए। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। इसी सिचुएशन के ऊपर करंट एनर्जी अपडेट मैं करने जा रही हूँ। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।